के मुख्यमंत्री ने भोपाल पट्टनम चौपाल में दी करोड़ों की सौगात, अंतरराज्यीय बस स्टैंड और बांस उद्योग को दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भोपाल पट्टनम में आगमन हुआ। सर्वप्रथम क्षेत्र के तमाम अलग अलग समाज के मुखियाओं से रूबरू होकर उनकी समस्या सुनी। चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने बीजापुर जिले के लिए 34 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि के लिए सोलर पंप और फेंसिंग तार अनुदान की घोषणा की। क्षेत्र में बांस की अधिकता और क्षेत्र के लोगों की कई वर्षों से चली आ रही मांग को देखते हुए उन्होंने बांस उद्योग की घोषणा करते हुए कहा कि बांस उद्योग से स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। काम भी आपको करना है, पहले आपके यहाँ खूब बांस हुआ करता था, अब बांस की कमी आई है। बहुत सारे साथी अभी आवेदन दिए, यहाँ बांस से कागज बनाने का प्लांट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। यहाँ बांस से जुड़े उद्योग लगाने की मैं घोषणा करता हूँ, आप सब उसमें भागीदार रहेंगे और प्लांट यहाँ लगेगा, लेकिन उससे कच्चे माल की भी तैयारी आपको करनी होगी। बघेल ने आगे कहा कि 2005 तक निवास करने वालों को वनाधिकार पट्टा देने की बात भी कही। भोपाल पट्टनम छत्तीसगढ़ को दो राज्यों महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ता है, इसलिए भोपाल पट्टनम में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की घोषणा भी मंच से की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, आबकारी एवं वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा मौजूद रहे। देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भोपाल पट्टनम में आगमन हुआ, जिसमें बड़ी खुशी है कि प्रत्येक यहाँ विभिन्न निवासरत समाजों से मिले हैं, जिसमें हम भी सर्वादिवासी समाज के जिलाध्यक्ष के सदस्य प्रतिनिधिमंडल बना के मिले हैं, जिसमें हम लोग विशेष सामाजिक सांस्कृतिक वैचारिक कार्यक्रम आयोजन करने के लिए हम लोगों को जगह नहीं है। उस जगह के लिए हम लोग भवन निर्माण के लिए शहीद वीर नारायण चौक गोरला में कम से कम 50 लाख का गुणवाना कोया सामुदायिक भवन की मांग किए हैं। साथ साथ भोपाल पट्टनम में जो गुणवाना भवन निर्माण हुआ है उसके ऊपर में सेकंड फ्लोर और अन्य सुविधाएं, और बीजापुर में जो जिला मुख्यालय में एकमात्र गुणवाना भवन है जहां भी सेकंड फ्लोर और टाइल्स अन्य मांग किए हैं। साथ ही हम लोग आदिवासी बाहुल्य होने के नाते कृषि पर बहुत निर्भर हैं। हम लोगों ने तेजी समाज से हम लोग मिले सीएम साहब को, हम लोग सामुदायिक भवन के लिए मांग रहे हैं और सीएम साहब जल्द ही निराकरण करेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि समाज के लोगों से भोपाल पट्टनम में कोई मुख्यमंत्री मिल रहा है, किस तरह का अनुभव था आपको? इससे पहले कई बार मुख्यमंत्री आ चुके हैं, लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिला मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मिलने, और बहुत गर्व की बात है कि मुख्यमंत्री जी हमसे मिले, उसी बड़ी खुशी की बात है। क्या आप लोगों ने आवेदन दी, मांग किया है, क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग का जल्दी ही स्वीकृति जाएगी, समस्या का जल्दी निराकरण किया जाएगा। यहाँ अभी तेंदुपत्ता का भी बोनस वितरण किया गया, वनाधिकार पट्टा भी दिया गया, और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि लोग रोजगार चाहते हैं, सिंचाई चाहते हैं, और इसलिए सिंचाई के लिए जो भी आवश्यक है, चाहे बोर हो, चाहे खेती करने के लिए फेंसिंग हो, उन सब के लिए 70% अनुदान यहाँ देने का निर्देश हमने दिया है। साथ ही यहाँ लोग उद्योग चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, तो यहाँ एक कागज प्लांट सरकार की ओर से लगेगा ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मूलक कार्य अब स्वीकृत किए जाएंगे, जितने तालाब यहाँ टूटे हैं सभी गांव के फिर गहरीकरण और उसके बंधान के भी निर्देश हमने दिया है। सर, सामुदायिक वन अधिकार का पट्टा दिया जाना है ताकि वहाँ के जंगल से जो लघु अनुपज निकलता है, जिसमें आपका अधिकार है, लेकिन उसके संवर्धन, उसके विकास का काम भी आपको करना है। पहले आपके यहाँ खूब बांस हुआ करता था, अब बांस की कमी आई है। बहुत सारे साथी अभी आवेदन दिए, यहाँ बांस से कागज बनाने का प्लांट लगना चाहिए। यहाँ बांस से जुड़े उद्योग लगाने की मैं घोषणा करता हूँ। आप सब
कच्चे माल की भी तैयारी आपको करनी होगी, बात लगातार लगाते रहना होगा, तब जाके वो प्लांट चल पाएगा।